खबर सिंगरौली से है, जहां निर्धारित समय पर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग हेलीकॉप्टर से देवसर विधानसभा के ग्राम गढ़हरा पहुंचे। गर्मजोशी से देवसर विधायक सुभाष राम चरित्र, कलेक्टर अरुण कुमार परमार, पुलिस कप्तान बीरेन्द्र कुमार सिंह, रीवा संभाग के कमिश्नर आईजी डीआईजी रीवा के साथ भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहले हेलीपैड पहुंचे और रक्षा मंत्री का हेलीपैड पर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गरीब भूमिहीनों को प्लाट आवंटित किया और किसानों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। उसके बाद दोनों नेता सिंगरौली के जिला मुख्यालय बैढ़न में एनसीएल ग्राउंड बिलौंजी पहुंचे। सभा के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री और कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया। जिले में 408 करोड़ के निर्माण कार्य के भूमि पूजन किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, बरगवा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, चितरंगी और सिंगरौली में सीएम राइज स्कूल भवन निर्माण के शिलान्यास के साथ ही 7 लाख किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से 140 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत खातों में ट्रांसफर किया। मंच पर प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, सीधी सिंगरौली सांसद, राज्यसभा सांसद अजय प्रत रहे। सिंगरौली में भी आएगा, 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे, 29 लाख। देखो देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमारे देश के रक्षा मंत्री और एक ऐसे राजनेता भारत बनाने में और सुरक्षित रखने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, माननीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधारे हैं और कार्यक्रम भी अद्भुत है। हमारे वो भाई बहन जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, एक परिवार बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि छोटे से घर में रहने की जगह नहीं बची, और इसलिए हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उसको रहने के लिए निशुल्क प्लाट उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जब इस धरती पर जन्मा है तो इतना हक तो उसका है ही कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। कई जगह ये गरीब भाई बहन कहते थे कि किसी की जगह में रहते हैं तो डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, ये करो नहीं तो हटा देंगे। अब ये प्लाट उनके अपने हैं, ये जमीन उनकी अपनी है, और आज सिंगरौली ज़िले में ऐसे 25,500 परिवारों को ये प्लाट वितरित किए जा रहे हैं। मेरा तो रोम रोम प्रसन्न है उनके चेहरे का आनंद देख के, बच्चों के चेहरे की खुशी देख के। और इसी कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के इस कार्यक्रम में अपने हाथों से इन गरीबों को अधिकार पत्र देने जमीन का राजनाथ जी बधाई। शिवराज सिंह जी चौहान को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत ही पुण्य कार्य किया है। जो भूमि है, भूमिहीन है, उनके लिए प्लाट आवंटन का कार्य आज बड़ी संख्या में किया है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उनकी संख्या संभवतः लगभग 25,000 से अधिक है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार यही कहते हैं, गरीब का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब का कल्याण ये हमारे लिए मंत्र है, गरीब का कल्याण ये हमारे लिए प्रेरणा है। और इसी भाव से हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान को अपनी तरफ से उनकी भूरी भूत प्रशंसा करता हूँ, और इस पुनीत कार्य के लिए उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और उनकी पूरी गवर्नमेंट को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।